हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेस लर्निंग श्रेणी अष्टम पिले तुम्हारा NAMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 एग्जामिनेशन मुख्यतः 6/3/2022 मीन्स मार्च मास 6 तारीख रे तो पिले माने दिन मध्य अधिक नहीं तुमको प्रिपेरेशन आज ठारू कौन बर्तमान ही आरंभ करदे उचित। तो जदि बेस्ट परफॉर्मेंस व बेस्ट प्रिपेरेशन जब करने चाहूँ तो सुनिश्चित रूपे आम चैनल सहित जोड़ रु जार नाम हूँ AKS लर्निंग। ओके, तो निहत रूपे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर दियो जहाद्वारा रेगुलर ए प्रकार क्लासेस तुम्हें पाइपर। मुख्यतः जो NAMMS था पाने से दुईट पेपर था, गोटे हूँ सेट पेपर आउ गोटे हूँ मेड पेपर। सेट रहा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मेट रहा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यही उभय टेस्ट पे 90-90 लिखाए MCQ टाइप प्रश्न आसव। MCQ रहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप प्रश्न आसव। तुमको जदि यही NAMMS को जदि क्रैक करार अच्छी तो तुमको सुनिश्चित रूपे यही 90 रु 60 तो 60 के 120 है तो तुमको निहत 120 प्लस मार्क आने पड़ो। बुझिपार मुख्यतः जो पे सेट पेपर अच्छी मुख्यतः तीन टा सब्जेक्ट अच्छी, गोटे हूँ मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ रू पे आस प्रश्न 20, साइंस रस 35, सोशल साइंस आस 35, तो 35, 35, 70, 70, 20, 90। ओके, तुमको जब NAMMS क्रैक करार अच्छी निहत रूपे क्लास 7 और क्लास 8 सब्जेक्ट गुड़ी पढ़ाक पड़ो। यह सहित किसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी पूर्व वर्ष जो प्रश्न उत्तर अच्छी तुमको डिस्कस कर। बुझिपार तो देख पे आम कौन करते 2020-21 शिक्षा वर्ष जो NAMMS वृत्ति परीक्षा होता तार प्रश्नपत्र आम डिस्कस करते। ऑलरेडी आम दुईट पार्ट्रे यार जो मैथ सेक्शन अच्छी मैथ जो 20 प्रश्न 36 नंबर ठार 45 और 46 नंबर ठार 55 तो दुईट पार्ट्रे पे आम यही 20 प्रश्न को डिस्कस करजे। बेसी ना पे 20 मिनट लेखाएं दुईट क्लास है। ओके, से 20 मिनट तुम जब देखो बेले 36 नंबर 45 आउ 46 नंबर 55 ये 20 नंबर तुम पूरा 100% डाउट क्लीयर हो। बुझिपना आ तुमको यही टाइप का प्रश्न तुम यही वर्ष भी परीक्षा तुम देखा पाइब। यही भिडियो आम कौन करवा ना यार जो अलग अलग जो सेक्शन गुड़िक रहा जमीक साइंस आउ सोशल साइंस, साइंस 35 प्रश्न और सोशल साइंस 35 प्रश्न तो ट्राए करा पे गोटे पार्ट्रे एका 35-35-70 प्रश्न सरवाई। तो चलो अधिक डेर न करी आमे हमारा क्लास को स्टार्ट करिबा। ओके, तो देख पिले एक नंबर प्रश्न देला जे प्रतिवर्ष जलवाहित रोग गुड़िक मुख्यतः से ही मानक होइथाए जे मानक पाखरे सुरक्षित पानीय जल पाइबार सुविधा नथाए। तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी जलवाहित रोग नुहे प्रश्न टी पे आउ थे पढ़ुची। प्रतिवर्ष जलवाहित रोग गुड़िक मीन जल द्वारा जो रोग गुड़िक व्यापी था से रोग गुड़िक मुख्यतः से ही लोक मानक होइथाए जे लोक माने जो मानक पाखरे सुरक्षित बा सफा पानी पानीय जलर सुविधा सुजोग न थाए। तो आ भितर कोडा जलवाहित रोग नुहे पिला माने एड जो एत डेफिनेशन दिला एजाक किछि आवश्यक नै तुम मानक केवल कन्फ्यूज करिया पई एते लंबा लंबा चोड़ चोड़ देछि किंतु एजाक किछि नेसेसर नै। ओके, एति कि पिला माने न देखि मते तुमको प्रश्न एमिति कहि जाय पारथंदा जे निम्नलिखित मंत्र कोडा जलवाहित रोग नुहे किंतु तुम मानक कन्फ्यूज करिया पई मनरे द्वंद्व सृष्टि करिया पई एते पटवार देछि। ओके, तेणु कौनसी कन्फ्यूज होवार आवश्यकता नै। तो देख निम्नलिखित मंत्र केउटी जलवाहित रोग नुहे बोली से पचार हईजा डिसेंट्री जक्मा आ टाइफएड नुह। देख पिले हईजा गोटे जलवाहित रोग अटे, डिसेंट्री मत जलवाहित रोग अटे, टाइफएड ज्वर मत जलवाहित रोग अटे किंतु जक्माटा हूँ गोटे वायुजनित रोग अर्थात वायु से व्यापी था। बुझिपाल तेणु आंसर आसवे ऑप्शन बी। दुई नंबर प्रश्न देख पे दुई नंबर प्रश्न देला जे कोठरी तापमात्रा रे एक स्टेनलेस चामचा एक कप आइसक्रीम रे बुड़ाई दिया जाए। कोठरी तापमात्रा अर्थ हो पाने 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री तापमात्रा रे गोटे स्टेनलेस चामच, स्टेनलेस अर्थ हो जंग न लगुवा गोटे चामच गोटे कप आइसक्रीम भितर बुड़ाई दिगला। जमी बुड़ा गला पे यार अन्य जो प्रांतटा थी से थंडा लगे तो कहीं थंडा लगला संचलन प्रक्रिया प्रक्रिया जो ना परिचलन प्रक्रिया जो ना विकिरण प्रक्रिया जो ना थंडा हुए ना कौन आंसर आसव चिंता कर टे पे
कोठरी तापमात्रा रे गोटे स्टेनलेस चमच। अच्छा पे मैंने जो स्टेनलेस चमच अच्छे से कठिन ना तरल ना गैसियो ना मुख्यतः हूँ पे कठिन पदार्थ। तो मन रख जो कठिन पदार्थ में जो तापमात्रा जो प्रवाहित हुए ताकू मुख्यतः कह जाए संचलन प्रतिक्रिया संचलन प्रक्रिया कह जाए। ठीक से प्रकार जो तरल आउ जो गैसीय पदार्थ रहा जी आम वायुमंडल एठार जो तापमात्रा गुड़िक ताप जो व्यापी था मुख्यतः परिचालन प्रक्रिया कह जदि कौन माध्यम ना तो भी ताप ट्रांसफर हो पार गोटे जगह अनेक जगह जापर से विकिरण प्रक्रिया मुख्यतः देख पे ये अच्छी आम पृथ्वी अच्छी ठीक रो ये अच्छी पृथ्वी ये अच्छी सूर्य सूर्यों ठार पे जो तापमा जो हिट गुड़िक आसूसी से हिट गुड़िक आसापी कहार मध्यम नौ थोड़े चिंता कल पृथ्वी रहा ये पृथ्वीर चारिपटे 1600 किलोमीटर पर्यंत केते किलोमीटर पर्यंत ना 1600 किलोमीटर पर्यंत बाउंड्री अच्छी एरी अच्छी एटमोस्फियर वायुमंडल अच्छी किंतु पृथ्वी और सूर्य मध्य दूरता तो हूँ 15 कोटी किलोमीटर ताहले एते डिस्टेंस जोड़े कि कौन वायु ना कि कौन कठिन पदार्थ ना कि कौन तरल पदार्थ ना हेले सूर्यर ताप गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ आसी पहुँचुच या ना तो सीटा कौ मध्यम पहुँचुच ना विकिरण मध्यम पहुँचुच से जहाँ भी हो पे यही प्रश्न आंसर आसो ऑप्शन ए संचलन प्रक्रिया द्वारा थंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बार्ता गुड़िक विचार करूँ जमीक देख पे प्रथम पॉइंट देला जे मक्का चीनाबादाम और कपा होती रबि फसल उदाहरण। ओके मक्का चीनाबादाम कपा होती रबि फसल उदाहरण। द्वितीय स्टेटमेंट देला सोरिष मटर आ पेशी होती खरीफ फसल उदाहरण। तो दुईटा पे स्टेटमेंट देला तापर एटी चारटा ऑप्शन दे प्रथम ऑप्शन देला जे उभय एक आ दुई ठीक अटे बी ऑप्शन देला जे एकटा ठीक दुईटा भूल अटे सीटा देला जे एकटा भूल दुईटा ठीक अटे ऑप्शन डी देला जे उभय एक दुई भूल अटे। तो चिंता कर पे कोड़ा राइट आंसर आसिबो एटा पे तुम अष्टम क्लास रो जो प्रथम अध्याय अच्छी विज्ञान बहर से आसी अच्छी अष्टम क्लास रो विज्ञान रो जो प्रथम अध्याय द्वितीय जो पेज देख पे आई थिंक द्वितीय पेज तो से तुमको यार आंसर मिल जाव पाने दीड जाक स्टेटमेंट भूल अच्छी। ओके दीड जाक भूल अटे उल्टा हम यहाँ पे खरीफ हम यहाँ रवि होगा कथा बुझीपना तो ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चानवर प्रश्न देला जेहेतु यह सूर्योदय पूर्व आकाश देखा जाए माने आ भितर गोटे जे कि सूर्य उदय होबार पूर्वर आउ पूर्व आकाश देखा जाए आउ ताको आमे प्रभाती तारा बोली मध्ये कहि थाउ तो काहाकु आ भितर आमे सेही प्रभाती तारा कहि थाउ जे कि पूर्व आकाश रे सूर्योदय पूर्वर देखा जाए शनि ग्रह ना मेरु तारका ना तारा सीरियस ना शुक्र ग्रह कौन आंसर आसिबो आंसर पे ऑप्शन डी शुक्र ग्रह हम शुक्र ग्रह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन देख अतुल घर ठार 2 किलोमीटर दूर विद्यालय को 25 मिनिट्रे घर ठार चली चली गला आउ थे कौन अतुल घर ठार 2 किलोमीटर दूर विद्यालय को 25 मिनिट्रे चली चली गला से पहुँचापुर से जाना पाला जे विद्यालय छुट्टी हो जाए तो से निज सांग साइकिल से बसिक पलै आसला मात्र आसवाक 15 मिनिट लगला। देख पे ये मनकर अतुल घर यहाँ हूँ अतुल स्कूल बुझीपार ए भितर दूरता हूँ पे 2 किलोमीटर जो गला से जो स्कूल को पे से चल चली गला तो ये आसवाक समय लगे 25 मिनिट जो रिटर्न है सैकेल पलै आसला लगे 15 मिनिट ये पचराला जे तार हाराहारी किलोमीटर पर प्रति घंटे अतुल हारे बेग टे रु पे से निज सांग सहित साइकिल जोगे समान मार्ग में 15 मिनिट घर फिर किलोमीटर पर प्रति घंटे अतुल हारे बेग के तो दीट जगह तार हाराहारी बेग के आमको पे पचार बुझिपार तो आंसर के देख पे हाराहारी बेगर सूत्र हूँ कौन ना हाराहारी बेगर सूत्र हूँ मोट दूरता टिके रु पे हारे बेगर सूत्र कौन ना मोट दूरता बाई मोट समय एठार पे देख से 2 किलोमीटर गला आ 2 किलोमीटर आसला तो 2 2 हम 4 किलोमीटर तो मोट दूरता हूँ 4 किलोमीटर मोट समय के लगला ना जीवाक लगे पे 25 मिनिट आया लगला 15 मिनिट तो 25 15 के हम ना 25 15 हम पे आम 5 5 10 संरक्षण लगे 2 3 4 40 मिनिट हम कत 40 मिनिट कितु पे मन रख ये मोट समय जगह 40 पकई दबन कहीं जानना देख जो मोट दूरता आम जो लिखिले किलोमीटर आकार लिखीचे ना किमी आकार
जदि आम दूरता को किलोमीटर आके लिखीचे तेज समय को मत घंटा आके लिखा पड़ो मिनिट आके लिखे हेनी यहाँ तो चालीस आसला चालीस मिनिट आसला तो चालीस मिनिट को तुमको कौन कौन करा पड़ो ना घंटे कनवर्ट करा पड़ो एवं चिंता कर मिनिट को तुम जब घंटे कनवर्ट कर षाठी हरिया पड़ो के हरिया पड़ो षाठी तुमको भाग कराया पड़ो तो चालीस मिनिट के घंटा आठ बेले चालीस बै षाठी शुन शुन कटला दुई दिन चार दुई तीन छः तो आसला पे मैंने दुई बै तीन घंटा आसला चालीस मिनिट जहाँ दुई बै तीन घंटा ताहा एवं हिसाब कर मोट दूरता हूँ चार किलोमीटर यहाँ हूँ दुई बै तीन ओके एवं देख चार को चार लिखे यहाँ तीन बै दुई हे दुई एक दुई दुई दिन चार दुई को तीन गुणले छः आस अर्थात तार पे हारा बेग के छः किलोमीटर पर घंटा थी मीनस ऑप्शन बी हम आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे छः नंबर क्वेश्चन मत कि बार्ता गुड़िक देख प्रथम दे पहरुवा डल्फिन जल्द गति करुवा बेले कौन घर्षण अनुभव करती ना मैंने पा भितर जो डल्फिन गति करुच्ची घर्षण बल फिल कर पे स्टेटमेंटा भूल अच्छे सी फिल करूँ बोले आम कहीपर आम जो नदी में कि पोखर में पहरी थाउे आमको गोटे फिल हो ना जे किए गोटे आमको विरोध करमको अटकाऊँगी तो सीटा डल्फिन मत फिल करुच्छे तो भूल रहा सीटा अच्छा बायु उड़ूबा विमान में घर्षण कार्य करे आकाश में जो उड़ाजहाज उड़ू से घर्षण बल इफेक्ट पकाऊँ तो देख पे प्रथम स्टेटमेंटा भूल था द्वितीय स्टेटमेंटा यहाँ ठीक अच्छे तो आंसर आसवा आमर ऑप्शन सी हम बुझिपार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख उद्भिद पत्र पृष्ठभाग गैस विनिमय यह मध्यम हुए गचरे जो गचर पृष्ठभाग जो गैस जो सॉरी जो गैस जो विनिमय हो मीन अंगारकाम्ल गैस गच नौ अम्लजान गैस छाड़ू तो मुख्यतः से क्या देखिए हूँ श्वसरंध्र ना श्वासनली ना स्तोम ना मूलकेश कौन आंसर आसव आंसर हो पाने स्तोम देकर गचर पत्र पे मैंने छोट छोट रंध्र था जहाँ जहाँ को आम खाली आखे देखिपर ना जहाँ को आम स्तोम कहे से स्तोम देकर ए प्रकार गैस गुड़िक विनिमय होता है बुझिपार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख आठ नंबर क्वेश्चन से ही विकल्पटी को बाछतु जहाँ एक वस्तु को ठीक भाव दुई सहित सामान थी मीनस कह रहा हो देख ये हाँ देख पे ये गोष्ठी एक गोष्ठी दुई देला गोष्ठी एक देला मेलामाइन नाइलन आउ पीवीसी ठीक से प्रकार गोष्ठी दुई देला कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक आउ सिंथेटिक फाइबर बुझिपार। एटा तुमको तरह चार्ट ऑप्शन दे को चार्ट ऑप्शन दे देख ये चार्ट दे ए बी सी डी आ भितर कौटा ठीक हम तो ये गोष्ठी एक गोष्ठी दुई देला आर तीनटा देला आर तीनटा दे तो क्या सहित किए कनेक्टेड हम तो आंसर कौटा आसव आर आंसर पे मैंने सुनदि आर एटा बी हम देख सी कहला ए सहित एक मीनस ए सहित एक मीनस मेलामाइन हूँ गोटे प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तापर आसवा आमर कौन आसवा ना बी सहित तीन हम बी सहित पे हम तीन मीनस नाइलन सहित नाइलन हूँ गोटे प्रकार सिंथेटिक फाइबर तापर आम सी हम पे मैंने कौटा बड़गिला दुई हम सी हम आम दुई मीनस पीवीसी हूँ गोटे प्रकार थर्मोप्लास्टिक बुझिपाल पे मैंने पीवीसी हूँ गोटे थर्मोप्लास्टिक नाइलन हूँ गोटे प्रकार सिंथेटिक फाइबर आउ मेलामाइन हूँ गोटे प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे निम्नलिखित बार्ता गुड़ी उपर विचार करूँ देख एटा दुईट स्टेटमेंट देखा धरिकी तले पचार ए बी सी डी आ भितर कौटा ठीक हम देख उभय एसीड आउ बेस एसीड अर्थ हो पे अम्ल आ बेस अर्थ हो पे क्षारक अर्थात सी कहे एमिडिया एसीड आउ बेस समस्त सूचक रंग परिवर्तन करती मैंने अम्ल क्षारक को चिन्ह जो भी आम कारक गुड़िक व्यवहार करुचे सबुजा कारक रंग परिवर्तन कराइए अम्ल क्षारक यहाँ देखा प्रथम स्टेटमेंट। द्वितीय स्टेटमेंट देला सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ एन एच बोली कहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे सल्यूशन निहब आउ से आम नील लिटमस पेपर जब बुड़ेबा से लाल होलटा कौन हो लाल हो पाने स्टेटमेंटा पूरा भूल अच्छे कहीं जानते ना देख सोडियम हाइड्रोक्साइड मन रखित जो कौन गोटे केमिकाल पदार्थर लास्ट जो हाइड्रोक्साइड उच्चारण है तो पाने से हम क्षारक आखि बुझिकी क्षारक भाविया ना हाइड्रोक्साइड उच्चारण है बेले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हूँ गोटे क्षारक और क्षारक मुख्यतः पे से लाल को नील करे लाल इंटरस को नील कर नील को केवे लाल करना ओके तो लाल को नील कर तो लाल को जो नील कर तो यहाँ तो भूल
आ रहा प्रथम स्टेटमेंट रहा प्रथम स्टेटमेंट जब पे देखा ये भी भूल अगर अच्छे कहीं उभय एसीड और बेएससी सबूक सूचक रंग परिवर्तन करें ओके तो से दृष्टि पे आसवे ऑप्शन डी उभय दुईटा स्टेटमेंट भूल अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सरल कृषि उपकरण जहाँ तृणगुक हटावा और मटी खोलने व्यवहार कराए ये देख पे चारिटा कृषि उपकरण दिगला जहाँ तृणगुक हटावा और मटी खोल व्यवहार करहन ड्रिल कल्टिवेटर कोदाल और फासिया आंसर हम पे कौटा जानते ना कोदाल हम अर्थात कोदाल को आम तृणगुक हटावाई घास फांस हटावाई व्यवहार करे सहित मटी खोलने व्यवहार करे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख से ही विकल्पटी को बाछतु जहाँ गोष्ठी एक सूक्ष्मजीव को सठिक भाव में सेगुड़ कार्य गोष्ठी दुई सहित मेल कर मीनस देख देख पे ये गोष्ठी एक चार्टा स्टेटमेंट गोष्ठी दुई में चार्टा स्टेटमेंट देला बुझिपारक जोड़ापी से कही तो ये ईस्ट जीवाणु प्रोटोजान्स एंड राइजोबियम मेलेरिया कारण अल्कोहल अल्कोहल उत्पादन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हईजार कारण चिंता कर कौन हम पे आम ये जाचे ईस्ट कौन करना अल्कोहल उत्पादन करीन्स ए रहीगला दुई ओके आम ये भी जाचे राइजोबियम कौन करना नाइट्रोजन फिक्सेशन करीन्स जबक्षण या अर्थ डी रहा डी रहा कौन तीन डी रन ए रुई डी रन ए रुई तो देख डी रन ए रुई देख ए रुई बोले एडे गोटे अच्छी एडे गोटे अच्छे डी रन एडे डीटा एक दुटा कटला डी रन एडे अच्छे अर्थात पे आंसर आसो ऑप्शन डी आसो बुझिपाल ना आ रहा बी बीटा कौन हम देख जीवाणु जोड़ा अच्छे से हम चार नंबर हईजार से कारण अटे तापर आ गए आसा कौन ना सी रहा एक आईटा बड़ा रहा हाँ सीटा कौन देखिए प्रोटोजान्स जोटा कि मेलेरिया कारण अटे बुझिपाल तो ईस्ट हूँ कौन ना ईस्ट हूँ आमर अल्कोहल उत्पादन करके जीवाणु कौन करना हईजार कारण तापर प्रोटोजा हूँ मेलेरिया राइजोबियम हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन ए प्रकार हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे बान क्वेश्चन देला जे सठिक उत्तर दे विकल्पटी को बाछतु गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट यार विद्युत जोगाण को एक वैद्युतिक सेल रु ग्रहण करे गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट अच्छे पे जी कि तरह विद्युत जोगाण को एक वैद्युतिक सेल रु से ग्रहण करते स्विच अफ स्थित अच्छी आ भितर कोड़ा हे जोबले स्विच अफ स्थित अच्छी एटार पे चार्टा स्टेटमेंट दिगला चार्टा स्टेटमेंट दि जाइए तो कोड़ा ठीक कौटा भूल हम देख किसी समय पर विद्युत स्रोत प्रवाहित हे ना सर्किट में कौन सी विद्युत स्रोत प्रवाहित हेना ना जितेबाला स्विच अन् स्थित थाए विद्युत स्रोत विपरीत दिग्वे प्रवाहित होता है ना सर्किट खोला अच्छे गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट यार विद्युत जोगाण को एक वैद्युतिक सेल रु ग्रहण कै आते स्विच अफ स्थित अच्छे से समय कोड़ा हे चिंता कर पे कौ स्टेटमेंट ठीक हे कोड़ा हे पे एठार पे दुईटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे मीनस दुई चार ठीक अच्छे सर्किट में कौन विद्युत प्रवाहित हेना जेहतु सी अफ अच्छी आगे आसला सर्किट खोला अच्छे ओके बंद अच्छी अर्थ हो सर्किटा अन् अच्छी कह सर्किट जेहतु बंद मानने अफ्रे अच्छी खोला अच्छी कह सर्किट अफ रर्थ होता हूँ खोला रहा तो दुई और चार नंबर स्टेटमेंटा पे ठीक अच्छे बाकी भूल अच्छे तेन नंबर क्वेश्चन देख साधारण धातु हूँ गोटे कठिन तो निम्नलिखित धातु गुड़िक मधर के गोटे व्यतिक्रम अटे मीनस से धातुटा कठिन नुहे छुरी आम अति सहज काटिपर कठिन नुहर अर्थ हो पूरा पानी ना कठिन मीनस पूरा टाण ना आलुमिनियम तंबा पोटासीयम आ सुना आ भितर कौ धातुटा एत कठिन ना आगे छुरी आम काटिपर चाकू आम काटिपर आंसर पे ऑप्शन सी पोटासीयम कौन हम पोटासीयम। नेक्स्ट उष्म और सुखिला पागरे आम लक्ष्य करथाऊ घसा जा प्लास्टिक पानिया छोट छोट कागज खंड को आकर्षित करथाए उत्तरदायी बल हूँ कोड़ा उष्म और सुखिला पागरे कौन होता ना आम लक्ष्य करथाऊ घसा जा प्लास्टिक पानिया छोट छोट कागज खंड को आकर्षित करोटे आ भितर कौ बल दायी अटे घर्षण शक्ति ना चुंबकीय शक्ति ना माध्याकर्षण शक्ति ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शक्ति आंसर पे ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक शक्ति। नेक्स्ट आसला पे देख सुनाली गरम पानी रे चीनी मिसाई एक केन्द्रित चीनी सिरप तैयारी करथिला
ओके गरम पानी में चीनी पकई गोटे चीनी सीटा तैयारी करता थंडा होगा चीनी स्फटिक गुड़िक अलग होगा यह कौन दर्शाए शारीरिक परिवर्तन जहाँ उल्टा हो पारे ना रासायनिक परिवर्तन जहाँ उल्टा हो पारे ना शारीरिक परिवर्तन जहाँ उल्टा हो पार ना रासायनिक परिवर्तन जहाँ उल्टा हो पार ना कौन हम पे आंसर आंसर पे मैंने यहाँ हूँ गोटे शारीरिक व फिजिकाल परिवर्तन जहाँकि उल्टा हो पारे ओके उल्टा हो पारे तो ऑप्शन ए हम पे आंसर परवर्ती क्वेश्चन देख पे मनीष आखिर निम्नलिखित क्यों अंश आखिरे प्रवेश करुवा आलोकर परिमाण को नियंत्रण करे आ भितर कौटा आखिरे जितने आलोक प्रवेश कर आलोक को नियंत्रण करीन्स केतकी परिमाण आलो जावा दरकार निर्धारण किए कर आखिर पे जो था आईरीस था ब्लाक कलर ही था नियंत्रण कर बुझिपार्च पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख देख पे 16 नंबर प्रश्न ए सॉरी 17 नंबर प्रश्न मेरु अंचल भालू अत्यधिक शीतल जलवायु और तुषारयुक्त धला अंचल बास करती ओके तो मेरु अंचल भालू अत्यधिक शीतल जगह तासे तो तुषारयुक्त धला अंचल बास करती मेरु अंचल भालूर क्यों अंतर्निहित वैशिष्ट्य संभव कराए अर्थात भालू पास जो धला भालू था मेरु अंचल जो भालू था पाखे कौन क्वालिटी था जोटा कि सेते थंडा जगह मत बचापी गोटे सुजोग प्रदान कर देख ए बी सी डी देला यह शरीर उपरे गार बड़ धला पंजा आ छोट नख बड़ कान पतला चर्म आ एक छोट लांज पतला चर्म कहीं थाउ कि न था तो मीन ऑप्शन बी तो हेनी चर्मदल चर्बी आ गंधर एक तीव्र भावना मोटा धला पशम यहाँ हो पारे पतला धला चर्म तो हेनी कहीं मतलब यह कटला शरीर उपरे गार बड़ धला पंजा आ छोट नख यहाँ भी हेनी ऑप्शन सी हम पे आमर राइट आंसर बुझिपार्च नेक्स्ट क्वेश्चन देख दैनंदिन जीवन रे आमे इलेक्ट्रोप्लेटेड घंटा टिप्ट और बात्या व्यवहार करूँ ना कि इलेक्ट्रोप्लेटेड घंटा व्यवहार करचे टिप्ट व्यवहार करचे ता सहित बात्या व्यवहार करचे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होउछि एहार सबुठारु साधारण प्रयोग गुडीक मधुर गोटे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग माध्यम रे एटा करा जाउछि तो आ भितर कोडा अटे वैद्युत स्रोत आलोक प्रभाव द्वारा ना वैद्युत स्रोत उत्ता प्रभाव ना वैद्युत स्रोत चुंबकीय प्रभाव ना वैद्युत स्रोत रासायनिक प्रभाव जो ही था आंसर पे मैंने वैद्युत स्रोत हूँ रासायनिक प्रभाव जो ही था तो मन रख ऑप्शन डी हम नेक्स्ट देख पे प्राय आई थिंक 22-23 मिनट है तो पे ये पार्ट में था 18 प्रश्न था अनेक पार्ट्रे आम 19 रु आज 35 रहा आम डिस्कस करवा ओके पे मैंने तो क्लासटा पे मैंने किपर लगे निहत रूप समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट कर यह सहित आम जो आर पार्ट वन और पार्ट टू रे 36 नंबर ठार 55 क्वेश्चन पर्यटन आम जो डिस्कस करते निहत रूप देखिए पे भिडर डिस्क्रिप्शन बक्स में यहाँ जो आई कार्ड देखो से मतलब अवेलेबल अच्छी तो जाकि निहत रूप चेकआउट करपर धन्यवाद।